नमस्कार। राजस्थान जीके की ऑनलाइन क्लासेस में सारस्वत स्टैनो क्लासेस की तरफ से मैं प्रमोद सारस्वत आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान जीके के पार्ट में, तो आज का पार्ट है राजस्थान की मृदा। तो दोस्तों, राजस्थान की मृदा के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि मृदा किसको कहते हैं। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या सॉइल कहते हैं। ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर प्रायः चट्टाने आ जाती हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप कभी देखेंगे कि अगर कहीं खुदाई होती है या मिट्टी हटती है तो नीचे पानी और पानी के नीचे चट्टाने अक्सर पाई जाती है। ठीक है, तो मिट्टी हटाने पर प्राय चट्टान या शैल पाई जाती है, कभी कभी थोड़ी गहराई पर भी चट्टान मिल जाती है। मृदा विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। भौतिक भूगोल की ये एक प्रमुख शाखा है जिसमें मृदा के निर्माण, उसकी विशेषताओं, धरातल पे उसके वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह के कणों को ही छोटे या बड़े सॉइल कहा जाता है। छोटे बड़े मिट्टी के कण जो एक साथ होते हैं वो मिट्टी कहलाती है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा मिट्टी क्या होती है, इसका विस्तार हम और देखेंगे अभी। इस चैप्टर को कहीं पर भी आप स्किप नहीं करें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर कंप्लीट आपकी जो प्री की तैयारी है वो हम लोग आपको यहाँ दे रहे हैं। तो मृदा उर्वरता की अगर अपन बात करते हैं, मृदा उर्वरता क्या होती है, तो पौधों में उर्वरता के लिए मृदा की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक शक्ति के योग को ही मृदा उर्वरता कहते हैं। मृदा उर्वरता से आप ये समझ सकते हैं कि जहां की मृदा उर्वरता ज्यादा होगी वहां पर फसल उतनी ही अच्छी होगी दोस्तों। ठीक है, तो मृदा उर्वरता की निम्न विशेषताएं हैं। यह मृदा का आनुवांशिक गुण है। यह फसल उत्पादन के कई कारकों में से एक प्रमुख कारक है। मृदा उत्पादकता जलवायु के बदलने या स्थान बदलने पर बदल जाती है। मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसके प्रति हेक्टेयर उपज देने की क्षमता से होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों पीएच मान। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो आप अपन जब पढ़ेंगे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, यहां पर यह है कि 5 से नीचे जाने पर यह अम्लीय हो जाएगी और ऊपर जाने पर यह क्षारीय होती है, राइट। तो मृदा का पीएच मान, लाल मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, इसमें CO3 मतलब क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। ऐसी मृदा सामान्यता क्या होती है, उदासीन होती है। लवणीय मृदा में पीएच का मान कितना होता है, 5 से कम होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लवणीय मृदा में पीएच मान कितना होता है, तो 5 से कम होता है। बालुई रेतीली मिट्टी का पीएच मान अधिक क्षारीय होता है, कि क्या होता है, क्षारीय होता है, ना कि क्या होता है, आप यहां पर लवणीय नहीं होगा, क्षारीय होगा, बलुई मिट्टी जो है, ठीक है। कैट मृदा पीएच मान 0 से कम होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन ये आपके पुराने क्वेश्चनों में से ही उठाए गए हैं ये पॉइंट्स, तो आप इनको एज इट इज याद कर लीजिए। आमतौर पर मृदा का पीएच मान 5 से कम होने पर अम्लीय मृदा कहलाती है। पौधों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा पीएच मान 6 से 7 होता है। अगर 6 से 7 है तो वो उपयुक्त है। और सर्वाधिक उत्पादक मतलब सबसे ज्यादा खेती जिस मृदा में होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ जो होती है, उसका पीएच अगर अपन चेक करते हैं तो उसका पीएच मान 6 से 8 होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो दोस्तों, राज्य में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की, जहां पर यह पता चलता है कि कौन सी मिट्टी अम्लीय है या कौन सी क्षारीय है, तो जयपुर के अंदर सामान्य मिट्टी प्रयोगशाला पाई जाती है, जोधपुर में समस्याग्रस्त मिट्टी प्रयोगशाला है, जबकि राज्य में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय आपके कोटा और जोधपुर दोनों जगह पर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के इस एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इन चीजों को बिल्कुल नोट्स के तौर पे उतार के चलिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि सामान्य मिट्टी के प्रकार, क्वेश्चन यहीं से ज्यादा पूछे जाएंगे दोस्तों। तो यहां पर बलुई रेतीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, मिश्रित लाल पीली, लाल दोमट, जलोढ़, भूरी मिट्टी, सिरोजम मिट्टी जिसको अपन धूसर मिट्टी कहते हैं, और लेटराइट मिट्टी की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बलुई रेतीली मिट्टी की। इसमें बलुई मिट्टी या बालू रेत भी कहते हैं। इस मिट्टी में मोटे कण तथा पानी ग्रहण करने की क्षमता कम होती है।
इसके कण क्या होंगे दोस्तों, मोटी होगी। और इसमें पानी नीचे क्या होता है दोस्तों, नीचे इसके चट्टाने होती है, तो पानी यहाँ पे तुरंत भरा। अगर आपको पता हो कुछ समय पहले बाड़मेर में बाढ़ आई थी, जिस वजह से वहां पे पानी भर गया था, पानी नहीं निकल पाया था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, पहली चीज तो कि बारिश ही कम होती है रेगिस्तानी इलाकों में, वो एक टाइम था जब आपके बाढ़ आई थी। अदरवाइज इन जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहां पर पानी बरसात है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है दोस्तों। तो ऐसे में अगर कुछ पानी अगर होता भी है तो जब सूरज की किरणें यहाँ पे पड़ती हैं तो ये ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाती उस पानी को, और वो पानी जल्दी सूख जाता है। ठीक है, तो पानी ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है दोस्तों, कम होती है। लवण का प्रतिशत अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक होता है। राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में ये पाई जाती है। सर्वाधिक विस्तार राज्य के पश्चिमी भाग में है। इसका विस्तार कहां पर है, राज्य के राजस्थान के पश्चिमी भाग में। तो अगर ये राजस्थान है और राजस्थान का पश्चिमी भाग कौन सा हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, तो ये जो आपका मरुस्थली प्रदेश है दोस्तों उसकी बात हो रही है। ये वायु द्वारा निक्षेपित मिट्टी से निर्मित होती है। इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व क्या आता है, मैग्नीज पाया जाता है, वो सॉरी मैग्नीज तथा तांबे की कमी होती है दोस्तों। ठीक है, इसमें कैल्शियम की अधिकता होती है। मैग्नीज और तांबे की तो क्या होगी दोस्तों, कमी होगी, और कैल्शियम की क्या होगी, अधिकता होगी। इसका पीएच मान अधिक तथा जैविक पदार्थों की इसमें क्या होती है, कमी होती है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझुनू, नागौर, पाली जिलों में यह मिलती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ एक एरियाज हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये इस बालू रेत कहां पर मिलती है, तो आपको बताना है राजस्थान के पश्चिमी इलाके में। नेक्स्ट बात करते हैं पर्वतीय मिट्टियों की। तो अरावली प्रदेश के नीचे के क्षेत्रों में ये पाई जाती है। मिट्टी का रंग लाल और पीला भूरा होता है। पहाड़ी ढलान के ऊपर इसका अधिक विस्तार है। इसमें कृषि नहीं की जा सकती है, यहां केवल जंगल ही पाए जाते हैं। सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर, अलवर जिलों में क्या है, इसकी अधिकता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं काली एवं मध्य काली मिट्टी। तो पानी ग्रहण करने की इसमें क्षमता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है, सबसे कम किसकी होती है, बालू, क्योंकि मोटे कण होते हैं। ये क्या है, पतले कण होते हैं, पतले कण होंगे तो पानी इसके अंदर जाएगा तो इतनी जल्दी ऑब्जर्वेशन वो ज्यादा ऑब्जर्वेशन करेगी उस चीज को। ठीक है, ऑब्जर्व करेगी। तो मध्यम काली मुख्य रूप से कहां पर मिलेगी, झालावाड़, कोटा, बारा और बूंदी में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपके पठारी भागों के अंदर जो आपका झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी आता है वहां पर ये पाई जाती है। इसमें आयरन, जिंक और मैग्नीज, कैल्शियम में पोटाश की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के कारण यहां पर अधिक पैदावार होती है। कृषि हेतु ये उपयोगी है, कपास की फसल हेतु उपयुक्त है। तो यहां पर काली मिट्टी में क्या मिलती है, कपास के लिए सबसे बेस्ट है। राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों में ये मिट्टी डेकन ट्रैप की बेसाल्ट लावा के शरण से बनी है। जो लावा होता है, जब ज्वालामुखी का जो लावा होता है उसके ठंडे होने से जो पठार बने हैं उसके कारण ये मिट्टी जो है वो बनी है। यहाँ पर कपास हो गया, गन्ना हो गया, चावल हो गया, चना, गेहूं, उड़द आदि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और इस मिट्टी का अपरदन जो होता है दोस्तों वो अधिक होता है। अपरदन अपन और ज्यादा डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। मिश्रित लाल वे काली मिट्टी, तो दक्षिणी पूर्वी भाग में इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, तो दक्षिणी भाग ज्यादा हो गया, पूर्वी थोड़ा कम है, दक्षिणी ज्यादा है। इसके अंतर्गत आते हैं, ये साधारण उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों। कैसी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, साधारण तो उपजाऊ मिट्टी। कैल्शियम, फॉस्फेट तथा नाइट्रोजन की इसमें कमी है, और मक्का में कपास की खेती हेतु ये उपयुक्त है। मक्का और कपास की खेती, तो यहां पर मक्का और कपास की जो खेती है वो उपयुक्त होती है। ठीक है, कैल्शियम, फॉस्फेट तथा नाइट्रोजन की इसमें क्या होगी, कमी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं मिश्रित लाल वे पीली मिट्टी, तो इसका विस्तार सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सिरोही मुख्य रूप से यहां पर यह फैली हुई है। इसमें लोहे के कणों की अधिकता के कारण इसका रंग क्या है, लाल है।
ठीक है, रंग लाल भी होता है या रंग इसका हल्का पीला होता है। ये ग्रेनाइट और निस चट्टानों के टूटने से बनती है। चट्टानों के बारे में जब अपन पढ़ेंगे तो इसके बारे में और ज्यादा जानेंगे। तो अभी आपको ये याद करना है कि ग्रेनाइट और निस चट्टानों के टूटने से इसका बनी है ये, तथा अधिकतम ये बनास नदी बेसिन में ही पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं दोस्तों लाल दोमट मिट्टी। तो इसका विस्तार उदयपुर तथा डूंगरपुर जिले के मध्यवर्ती भाग में है, मतलब प्योरली राजस्थान के दक्षिणी भाग में है। ये प्राचीन स्फटिकीय और कायंत्रित शैलों से निर्मित है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी मिट्टी कौन सी शैल से बनती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिखते हुए चले, नोट्स बनाते हुए चले। ठीक है, इसमें लोहा कणों की अधिकता होती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। ठीक है, चूना इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी होती है, तथा मक्के की फसल हेतु ये मिट्टी उपयुक्त होगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं जलोढ़ तथा कछारी मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी होती है दोस्तों ये। विस्तार इसका विस्तार पूर्वी मैदानी भागों में, क्षेत्र इसमें अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, धौलपुर, करौली, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ इस मिट्टी का में ये पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग पीला होता है, तथा इसमें कहीं कहीं कम कंकरों का जमाव, कहीं कहीं पे कंकरों का जमाव होता है दोस्तों। ठीक है, जलोढ़ कछारी दोमट मिट्टी को, इसको आप जलोढ़ कह सकते हैं, इसको आप कछारी कह सकते हैं, इसको आप दोमट कह सकते हैं। मिट्टी को ब्लैक कॉट सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। उत्पादन की दृष्टि से ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। जल धारण करने की इसमें अधिकतम क्षमता पाई जाती है। नदी नालों के किनारे होती है, पानी की प्रचुरता होती है, तथा उनके प्रभाव क्षेत्र में ही ये पाई जाती है। इसमें नमी की अधिकता होती है, साथ ही नाइट्रोजन में कार्बनिक तथा पर्याप्त नाइट्रोजन भी और कार्बनिक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, तथा जिंक फॉस्फेट तथा इसमें कैल्शियम की कमी होती है। इस मिट्टी में गेहूं व चावल हेतु उपयुक्त मानी जाती है। इस मिट्टी में रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसलें उगाई जाती है। रबी खरीफ की हम जो हमारा कृषि वाला जो चैप्टर है दोस्तों, उसमें इस चीज को ज्यादा डिटेल से देखेंगे। तो यहां आप कछारी मिट्टी अपन पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं भूरी मिट्टी। तो इसका विस्तार दोस्तों टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में है। ये बनास व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में अधिकतम मिलती है। भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर आदि इसके अंतर्गत आते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस तत्वों का इसमें अभाव पाया जाता है। सिरोजम मिट्टी या धूसर मिट्टी, इसका विस्तार बांगड़ प्रदेश, पाली, नागौर, जालोर, शेखावाटी प्रदेश, झुंझुनू, सीकर वाला, लूनी बेसिन, लूनी बेसिन के अंदर आपके जो जालोर है, बाड़मेर का इलाका है, पाली का इलाका है, वो सब आ जाएगा, में पाया जाता है। बारानी कृषि हेतु ये उपयुक्त होता है। इसका रंग पीला भूरा रंग होता है, तथा इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, अतः इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति कमजोर होती है। तो यहां पर दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, और उर्वरक की दृष्टि से, मतलब उर्वरक मैंने आपको बताया था कि उत्पादन की दृष्टि से भी ये थोड़ा सा कमजोर पार्ट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं लैटराइट मिट्टी की। तो लैटराइट मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहां शुष्कतर मौसम बारी बार बार होता है, शुष्क मौसम होता है। ये लैटराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। ये मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है, ज्यादातर पठारी भागों में मिलती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। गहरी लेटराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा अधिक होती है। लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण सभी लेटराइट मृदाएं जंग के रंग की होती है। जैसे आप कभी लोहे पे जंग लगी हुई होती है, तो दोस्तों आप उसी रंग की ये मिट्टी पाई जाती है, हल्का लालपन लिए हुए होती है। तो लोहा ऑक्साइड समझ जाइए, जब भी जहां पे भी मिट्टी लाल होगी तो वहां लोहा ऑक्साइड का लोहे का उसमें जो है बड़ा सहयोग होगा। इसका विस्तार जो दोस्तों प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा में मिलता है। तो अब ये तो बात हुई मोस्ट ऑफ मिट्टियों की, लेकिन क्वेश्चन राजस्थान जो है,
राजस्थान कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन देता है। तो राजस्थान की मिट्टियों का नई पद्धति से वर्गीकरण इसमें मृदा की उत्पत्ति के कारकों को आवश्यकता अनुसार महत्व देते हुए अधिक महत्वपूर्ण मृदाओं में मौजूद गुणों को दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यह है कि राजस्थान में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एंटी सॉल्स, एरिडो सॉल्स, एंटीसेप्टिक सॉल्स, एल्फी सॉल्स और वर्टी सॉल्स करके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर कई लोगों को जो मिट्टियां पढ़ चुके होते हैं तो उन लोगों को, क्योंकि बहुत सी बुक्स में इतना ही डिटेल से नहीं दिया होता है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये किस तरह की मिट्टी है। तो अब दोस्तों इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। तो एंटी सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। रेगिस्तानी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इस मिट्टी में दो उपमृदा कण, एक सामेंट्स और फ्लुएंट्स पाए जाते हैं। ऐसा मृदा वर्ग जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं का समावेश होता है। पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसका रंग हल्का पीला भूरा होता है। आप सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि पश्चिमी राजस्थान में एंटी सॉल्स मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा कि जो अर्धशुष्क इलाका है वहां पर ये एंटी सॉल्स पाए जाएंगे। अब ये आपको शुष्क अर्धशुष्क ये जानना है तो आप भौगोलिक स्वरूप और आप भौतिक प्रदेश को आप मेरे चैप्टर पढ़ सकते हैं दोस्तों, वहां पर आपको इसकी ज्यादा जानकारी मिलेगी। एरिडो सॉल्स की बात कर लेते हैं हम, तो ये खनिज मृदा जो अधिकतर शुष्क जलवायु में पाई जाती है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर आदि जिले में ये देखने को मिलती है एरिडो सॉल्स। इसके बाद करते हैं बात एंटीसेप्टिक सॉल्ट्स की, जो पथरीली मिट्टी होती है, अर्धशुष्क से आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क जलवायु में यह पूर्णतः इसका अभाव होता है। सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और झालावाड़ में इसकी अधिकता है तथा जलोढ़ मृदाओं के मैदान में भी ये अक्सर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एल्फी सॉल्ट्स जलोढ़ मिट्टी की। तो जलोढ़ मिट्टी का ये क्षेत्र जयपुर, दूसरा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है तथा मटियारी मिट्टी की इसमें मात्रा अधिक होती है। तो ये हो गई आपकी जो जलोढ़ मिट्टी, जो हम पढ़ चुके हैं कि जो नदियों के किनारे पे मिलती है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं वर्टी सॉल्ट्स काली मिट्टी की। तो काली बैगूर मिट्टी का क्षेत्र झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, इसमें अत्यधिक क्ले, ये क्ले है। क्ले क्या होता है कि जो बिल्कुल बारीक मिट्टी जो होती है उसको हम क्ले कहते हैं, उपस्थित होने के कारण इसमें मटियारी मिट्टी की विशेषताएं पाई जाती है। मटियारी मिट्टी को आप कह सकते हैं जो नदियों के द्वारा, बहाव क्षेत्र के द्वारा लाई गई जो मिट्टियां होती है उसे कहा जा सकता है, राइट। तो राजस्थान की मिट्टी से संबंधित कुछ समस्याओं की अपन दोस्तों बात करते हैं। तो खरपतवार की समस्या, तो दोस्तों खरपतवार क्या चीज है? ये जो छोटे छोटे हल्के हल्के से ये खरपतवार होते हैं, ये इनको खाने लग जाते हैं, जैसे आप ये पत्तों को खाए हुए देख रहे हैं। तो इस तरह की वनस्पति में एक समस्या होती है और ये खरपतवार होता है, तो ये भी एक तरह से मिट्टी से ही, मिट्टी की एक प्रॉब्लम है जिससे सारी फसलें जो लगभग खराब हो जाती है। तो खरपतवार की समस्या हो गई। लवणीय क्षारीयता की समस्या मैं आपको बता चुका हूं, जो पीएच मान का जो फेरबदल होता है उससे भी काफी फर्क पड़ता है। जलाधिक्य मतलब सेम की समस्या। जलाधिक्य क्या होगा कि जैसे मान लीजिए पानी, नमी कुछ उधर ज्यादा ही होती है तो उसमें आप कुछ उगा नहीं पाते हैं। तो ऐसी जलाधिक्य जो सेम की समस्या है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा अगर कहीं पाई गई है तो वो पाई गई है आईजीएनपी के किनारे पे। अब आईजीएनपी का किनारा क्या है दोस्तों? जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है दोस्तों, उसके आसपास, क्योंकि वहां पर मोटे कणों वाली मिट्टी है और मोटे कणों की मिट्टी को जो आईजीएनपी का जो पानी है, जो नहर का पानी है, उसकी वजह से आसपास सेम की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये भी पूछा जा सकता है सेम की समस्या ज्यादा कहां है? जैसलमेर में, राइट। मिट्टी मृदा की जैविक शक्ति में गिरावट, तो जो उसकी जैविक शक्ति है मतलब उत्पादन क्षमता जो है उसमें गिरावट, और लास्ट है मिट्टी का अपरदन होना। मिट्टी का अपरदन जस्ट लाइक आप इसको ये कह सकते हैं दोस्तों कि वो चाहे हवा के थ्रू हो, चाहे वो पानी के तेज बरसात के थ्रू हो, कम वन लगाने के थ्रू हो, कैसे भी, लेकिन मिट्टी का अपरदन भी, मिट्टी की जो उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, तो ये एक बड़ी समस्या होती है। ठीक है, तो ये किस तरह के कुछ एक इंपॉर्टेंट अपरदन अपन यहाँ पे देखने जा रहे हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है आवरण अपरदन, जब घनघोर वर्षा के कारण निर्जन पहाड़ियों की मिट्टी जल में घुलकर बह जाती है, तो ये क्या, किस तरह का अपरदन होता है? आवरण अपरदन। ये क्वेश्चन आरएस जैसे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ऐड किया है। धरातलीय अपरदन, पहाड़ी एवं सतही ढालों की ऊपरी मूल्यवान मिट्टी को
जल द्वारा बाहर ले जाना ये क्या कहलाता है? धरातली अपरदन, नाली नुमा अपरदन। जब जल बहता है तो उसकी विभिन्न धाराएं मिट्टी को कुछ गहराई तक काट देती है, परिणाम स्वरूप धरातल में कई फुट गहरी नालियां बन जाती हैं। कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर में इस प्रकार का अपरदन पाया जाता है और ये अपरदन लगातार कई सालों तक चलने के बाद में ये बीहड़ का रूप ले लेता है। अगर आपने सुना होगा चंबल के बीहड़, तो वो नाली नुमा अपरदन के कारण ही बने हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चनों की दृष्टि से, जो प्रश्नों की दृष्टि से कुछ पॉइंट मेरे सामने थे, मैं आपको यहां पर डिटेल से समझा देता हूं। मिट्टी में लवणीयता की समस्या को दूर करने हेतु रॉक फास्फेट, अगर लवणीयता की समस्या है तो आप मिट्टी में क्या मिलाएंगे? रॉक फास्फेट, राइट। मिट्टी में अगर क्षारीयता की समस्या है तो आप उसमें क्या मिलाएंगे दूर करने के लिए? जिप्सम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लवणीय मिट्टी है उसको सही करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? रॉक फास्फेट। अगर आपकी क्षारीय मिट्टी है तो क्या करना है? जिप्सम डालना पड़ेगा, राइट। राज्य में वायु से मृदा अपरदन का क्षेत्रफल सबसे अधिक तथा उसके बाद जल से मृदा अपरदन होता है, तो राजस्थान में पूछा जाए कि अपरदन सबसे ज्यादा कहां से होता है, तो वायु से। सबसे कम किससे होता है, सबसे ज्यादा उसके बाद किससे होता है, तो जल से दोस्तों। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मिट्टी का अवनालिका अपरदन। तो सर्वाधिक चंबल नदी, मैंने अभी आपको बताया कि नालिका अपरदन की अपन ने बात की थी, तो चंबल नदी के किनारे बीहड़ बनते हैं, तो अवनालिका अपरदन कहां सबसे ज्यादा होगा? चंबल नदी से। ठीक है, राज्य की प्रथम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहां पर? जोधपुर में। तथा भारतीय क्षारीय, ठीक है, और ये किस नाम से है? भारतीय क्षारीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला। ठीक है, तो अगर ये पूछ लिया जाए कि भारतीय क्षारीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला और ये राज्य की जो कि प्रथम प्रयोगशाला है कहां पर है? जोधपुर में। भूमि की सेम समस्या मुख्य रूप से हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में है। ठीक है, हनुमानगढ़ से समस्या निदान के लिए इको डच, कौन सी? इको डच परियोजना नीदरलैंड की सहायता से चलाई जा रही है। नीदरलैंड, हॉलैंड आर्थिक एवं तकनीकी सहायता इसको प्रदान कर रहे हैं। तो दोस्तों बाकी जगह भी सेम की प्रॉब्लम है, लेकिन ये समस्या का निदान क्यों किया जा रहा है और मुख्य रूप से हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर पे ध्यान क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों। आप बाकी जगह पे आप बालू रेत में एक तरह से खेती इतनी बेटर नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आपके ये जो इंपॉर्टेंट जो हनुमानगढ़ श्री गंगानगर है, जिसको धान का, जो धान का कटोरा भी कहते हैं, तो दोस्तों इन चीजों के लिए देश में इस तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इको डच परियोजना नीदरलैंड की किसकी सहायता से चलाई जा रही है, तो नीदरलैंड की सहायता से। और ये किस समस्या को दूर करने के लिए? सेम की समस्या को दूर करने के लिए। और सेम की समस्या दोस्तों क्या है? सेम की समस्या है जलाधिक्य, जल अधिक हो जाए भूमि में, नमी ज्यादा हो जाए तब। ठीक है, ऊसर भूमि के लिए हरी खाद तथा गोबर का उपयोग किया जाता है। यह आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप लोग पेड़ पौधे भी उगाते थे या अपने गांव में, आपने अक्सर देखा होगा कि जो गोबर होता है उसकी खाद बना दी जाती है और वो भूमि में डाल दी जाती है। तो ऊसर भूमि के लिए जो उपाय है वो क्या होगा? गोबर और खाद। ठीक है, धमासा ट्रफुसिया परपुरिया एक खरपतवार है जो जयपुर क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान दोस्तों कौन सा हो गया? जो आपके कोटा, कोटा बूंदी झालावाड़ वाला, तो आदिवासियों द्वारा वनों को काटकर की जाती है और ये झूमिंग कृषि होती है दोस्तों कि इसमें वनों को काट दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है तथा उसके ऊपर ये लोग खेती करते हैं दोस्तों। तो इस तरह की जो खेती की जाती है वो आपके कौन सी होती है? झूमिंग कृषि होती है। और ये कहां पर होती है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। किनके द्वारा? आदिवासियों के द्वारा। तो दोस्तों आप सीधी सी बात समझे, अगर पेड़ों को काट दिया जाएगा तो पेड़ों को काटने के बाद में जो अपरदन है भूमि का, क्योंकि पेड़ ही है जो मिट्टी को अपरदन करने से रोकते हैं, तो ऐसे में झूमिंग कृषि भी मिट्टी अपरदन का एक बड़ा कारण बनती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, देश की व्यर्थ भूमि का 20% राजस्थान में ही पाया जाता है। खड़िन,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। खड़ी मरुस्थलीय प्रदेश में रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों के समीप के स्थानों पर निचले गहरे भाग बन जाते हैं जिसमें बारीक कणों वाली मटियारी मिट्टी का जमाव होता है। तो मैंने आपको वही कहा कि थोड़ी वो जो बारिश हुई उस वजह से पानी इकट्ठा हुआ और हल्के हल्के छोटे 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 कण जो यहां पर इकट्ठे हो गए ये मटियारी मिट्टी कहलाती है। ठीक है, तालाब, तालाब में पानी सूखने पर जमीन की जो उपजाऊ मिट्टी की परत को क्या कहते हैं, पण कहते हैं। दोस्तों राजस्थान में जो तालाब बनते हैं तालाब का पानी सूख जाता है तथा उसके बाद में उस तालाब में जो मिट्टी बनती है दोस्तों क्या कहलाती है, उपजाऊ मिट्टी, पण के नाम से जानी जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर कृषि भूमि कहां पर है, उदयपुर में, जबकि जैसलमेर दूसरे स्थान पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक व्यर्थ भूमि जैसलमेर में है 30%, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर सबसे बड़ा भी है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है, उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि, अगर पठारों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा व्यर्थ पठारी भूमि कहां पर है, राजसमंद में। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपके राजस्थान की मृदा जो है वो यही समाप्त होती है। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, बिल्कुल आप सही समझ गए हैं, राजस्थान के खनिज पर आधारित है। ये आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो राजस्थान के खनिजों पर आधारित ली जाएगी। इसके पूरे प्रॉपर आप दोस्तों नोट्स बना के चले, और अगर आपने सारस्वत स्टैनो क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है और अगर आप स्टैनो सीख रहे हैं तो दोस्तों जल्द से जल्द आप इस चीज को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है और इस तरह की एक बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको आने वाले टाइम पे भी मिलने वाली है। स्टैनो की प्रॉपर सीटें दोस्तों खाली जाती हैं, एक सही वे में अगर आपने मेहनत की, एक सही तरीके से आपने मेहनत की तो इजीली आप एक बड़े अफसर की पोस्ट को आसानी से पा सकते हैं। और आपको वही पोस्ट को दिलाने में हम आपके सहयोग करेंगे, आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों 9887060188 पे आप हमें कॉल करके इस कोर्स की सूचना ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा हमसे जुड़ के अच्छा लग रहा है और आपको ये चीजें समझ में आ रही है। धन्यवाद।